आज का ये पावन दिवस युवाचार्य जी के नाम से घोषित किया और जो कुछ भी आज के दिन में कार्यक्रम है वो सब युवाचार्य जी के नाम से अंकित किए जाते हैं। युवाचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ, बचपन में देखिए, भगवान महावीर की वाणी कहती है, जरा मरण वेगे नंग बुद्धमानन पाने नंग धम्मो दिवो गई थई धम्मो दिवो पैठानंग गई शरणमुत्तम। ये संसार अनादि काल से, मैं और आप अनादि अनंत काल से जन्म और मरण के प्रवाह में बहते जा रहे हैं। जरा मरण वेगे नंग बुद्धमानन पाने नंग धम्मो दिवो पैठई गई शरणमुत्तम। अनादि काल से जीवात्मा भव्य आत्मा, मैं और आप अनादि काल से जन्म और मरण के चक्कर में पिस रहे हैं। जस्ट इन द ओशन लॉग मीट्स एंड मीट एंड द डिपार्ट सो मैन मीट मीट एंड द डिपार्ट। समुद्र में जैसे लकड़ी दूसरे लकड़ी से मिलती और जुदा हो जाती है, ऐसे मनुष्य जन्म लेते हैं, थोड़ी देर रहते हैं, फिर जुदा हो जाते हैं, रिश्ते बदलते हैं, नाते बदलते हैं, परिवार बदलता है, योनि बदलती है, गति बदलती है, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। भगवान कहते हैं एक धर्म, यदि कोई व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म आधार है, धर्म शरण है, धर्म गति है, धर्म द्वार है। वो कौन सा धर्म, अब प्रश्न पैदा होता है, धर्म कौन सा? सब अपने अपने धर्म की मान्यताओं के लिए के बैठे हैं, परंतु महावीर का धर्म हम सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रवचन भी देते हैं, परंतु भीतर नहीं उतरता। ऐसे भाग्यशाली मां जिस मां ने ऐसे रतन को पैदा किया, गर्भ में आने के पूर्व ही माता पिता ने संकल्प किया था कि बेटा होगा तो आचार्य श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। क्या कभी आपके मन में ऐसा भाव आया कि कोई बेटा या बेटी के जन्म होते ही मैं साधु मुनिराजों को दे दूंगा? धन्य है वो मां जिसने गर्भ में आने पर संकल्प किया था कि बेटा हुआ तो आचार्य जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। और उस मां ने जब ये मां की कुक्षी में आए, धन्य है वो मां की कुक्षी, धन्य ये जीव इस मां के गर्भ में आया। और मां 10-10 समय खोज करती थी, रात्रि का भोजन नहीं बनाती थी, स्वयं भी खाती नहीं थी, खिलाती भी नहीं थी, परोसती भी नहीं थी, और हमेशा आचार्य श्री जी का गुणगान गाती थी। ये माता पिता के संस्कार है इस बच्चे के अंदर। जो बच्चा आज कहां चौकन भारत नहीं, ये धर्म के परोपकार बन गए। क्यों बन गए? इनका अपना पुण्य, इसके पीछे माता पिता बहन भाइयों का योगदान। एक प्यारी सी बहन बैठी है यहां, बहुत बार आई है और मैंने कोई विशेष बात भी नहीं की, मैं दूर से देखता हूं, चली जाती है चुपचाप भाई के दर्शन करके। ऐसे भाइयों का प्यार मिला, वो मां के संस्कार मिले, और ये माता पिता के संस्कार थे कि आचार्य जी चापन में आए और साथ ही चल दिए। कैसी भावना, 7.5 साल की उम्र में तुम्हारा बेटा कोई 7.5 साल की उम्र में साधु के पास चला जाए तो तुम क्या कहोगे? और विदा हो गए गुरु जी के साथ, फिर वापस नहीं लौटे। और आचार्य श्री जी ने पिता से पूछा क्या करना है, पिता ने कहा तुम्हारा बेटा जैसा करना कर लो। ऐसे माता पिता जिन्होंने इनकार भी नहीं किया, हमें तो दीक्षा लेने के 10 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा, घर में 10 वर्ष तक संघर्ष किया फिर आज्ञा मिली, और जिनका पुण्य था और ऐसे ही घर से आए और चले आए गुरु जी के चरणों में और आकर के दीक्षा ले ली सरलता से सहजता से। अभी इनामिका जी ने जो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाई है, उस अनामिका टीचर युवाचार्य जी की भी टीचर है, मुनियों की भी टीचर है। ऐसी टीचर जिसके चेहरे पर हमेशा गुलाब सी मुस्कान रहती है और सुबह से लेकर रात्रि तक बच्चों को संस्कार देती है, संतों को पढ़ाती है, स्वयं अध्ययन करती है,
सब कार्यक्रम अटेंड करती है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ऐसी प्यारी बहना हमारी समाज में हो तो समाज का नक्शा बदलेगा, निश्चित बदलेगा। एक दिन पहले मेरे पास आई कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा जैसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी मेरे बारे में, ऐसे इनके बारे में बना दो। जरा सा इशारा किया था, बस काम शुरू हो गया और देखते देखते वैसे ही बना दिया। नारी शक्ति, उनसे प्रेरणा लो, उस बहन से प्रेरणा लो, कितना काम करती है सुबह से लेकर रात्रि तक। अनामिका क्लासेस, 400 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे पढ़ते रहते, कोई आती, खाने का नहीं समय, पीने का नहीं समय। ये हमारी समाज का सौभाग्य। मैंने बोलना तो बहुत कुछ है, समय आज्ञा नहीं देता। सबसे पहले तो मैं साधुवाद करता हूँ सूरत श्री संघ के सभी कार्यकर्ताओं का। ध्यान शिविर 10 साल पहले शुरू हुए, मुझे लगन थी महावीर की साधना क्या है। बहुत वर्षों के बाद मिली, युवाचार्य बनने के बाद भी मैं साधना में था। लोगों ने मेरा विरोध किया, आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी ने कभी कुछ नहीं कहा। उनकी सहजता, सरलता, मृदुता हमेशा मेरे छत्र पर छाया की तरह रही। परंतु ये साधना सम्मेलन के पूर्व आत्मदृष्टि को लेकर के जयपुर से सम्मेलन करते करते ब्यावर, अजमेर, किशनगंज, जैसे जैसे आगे बढ़ी और भीलवाड़ा के लोगों ने पहचाना, बहुत बड़ा शिविर लगा। भीलवाड़ा के युवक, छोटा सा बच्चा 11 वर्ष की उम्र में 3 शिविर कर चुका है। अविनाश जी, अभी आपके पास फुर्सत नहीं हुई शिविर करने की। सभी को मैं कहता हूँ, वो छोटा बच्चा 3 शिविर कर चुका है, पिता को पता नहीं वो कहाँ है, माँ को पता नहीं कहाँ है। पिता का चोलपट्टा उठा के ले आया और पहन लिया और आ गया हमारे पास कि मैंने शिविर करना है। बच्चे की लगन देखो, प्यार देखो, बच्चे का संस्कार देखो। और सूरत वासियों ने जो ध्यान शिविर को समझा है, पूरे भारत के लोग, लिस्ट लगी हुई है, हमारे पास सीट नहीं है, 1000 लोग आ जाते हैं, हम 500-600 को लेना चाहते हैं। हम अविनाश जी को बड़े प्यार से कहा, अनुरोध से कहा, पर अविनाश जी अभी हमारी बात को समझ नहीं पाए। अविनाश जी एक ही बात कहते हैं, सम्मेलन कर लो। सम्मेलन करवा दिया अविनाश जी ने, करवा दिया सब ने, करवा दिया पुनः चतुर्मास कर लो, अब ये कर लो। मैं समझता हूँ, जब तक तुम धर्म को नहीं समझोगे, हम 10 चतुर्मास कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं। जीवन नहीं बदलता, साधु साधियों का जीवन नहीं बदलता जब तक वो धर्म की शरण ना लें। धर्म कौन सा धर्म? जो शास्त्रों में वो धर्म नहीं है, जो महावीर का धर्म है, साधना का धर्म है, आत्म धर्म है, आत्म ज्ञान है, आत्म रमन है, आत्म चिंतन है। पर यदि वो शिविर कर लिया, जैसे पूनिया श्रावक की समय मगध सम्राट खरीद नहीं सका। मैं युवाओं को कहता हूं, महिला शक्ति को कहती हूं, जीवन बदलना है और श्रमण संघ बदलेगा, निश्चित बदलेगा। श्रमण संघ का भाग्य बहुत ऊंचा है, हर परंपरा के 15 संत हैं, 3-3 आचार्य बने बैठे हैं। श्रमण संघ एक है 1200 साधु साधवियों का। श्रमण संघ पर आशीर्वाद है आचार्य भगवान आत्माराम जी का, आनंद ऋषि जी का, देवेंद्र मुनि जी, ऋषि जी का, मुनि जी का। और ये साधना से जो एक बार भी गुजर जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा, चाहे कोई साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो। धर्म का पता ही नहीं धर्म क्या होता है, ज्ञान का पता नहीं ज्ञान क्या होता है। ज्ञान वो नहीं जो सूत्र में लिखा हुआ, जो मैं बोल रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, ये बुद्धि का ज्ञान है। बुद्धि का ज्ञान मिटेगा, खत्म होगा, पर आत्मज्ञान वो तुम्हारे साथ जाएगा। वो आत्मज्ञान दिया नहीं जाता, लिया नहीं जाता, वो भीतर से प्रकट होता है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में महावीर है, आत्मा में मोक्ष है, आत्मा में सिद्धालय है। एक ही सूत्र, तुम आत्मज्ञानी बनो, तुम आत्मनिष्ठा बनो। मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूँ, जितने पूना के लोग आए हैं, पूना में आ जाऊँगा सुधार होने वाला नहीं है, मुझे पता है। मैं कहीं भी चले जाऊँगा सुधार होने वाला नहीं है। जीवन बदलेगा, तुम खुद बदलो। तुमने बहुत चतुर्मास करवा दिए, अभी तक एक शिविर भी नहीं तुम लोगों ने किया। ये सूरत के लोग जानते हैं, इन्होंने शिविर किया, सुनाना जी बैठे, इन्होंने शिविर किया है, इन्हें एक शिविर किया, जीवन बदलता है। सारा दिन एक तरफ और 5 दिन की साधना एक तरफ। युवाचार्य जी को पूछो, ये गवाह हैं बैठे, युवाचार्य जी बोलो,
तुम्हारा जीवन बदला कि नहीं बदला? हमने युवाचार्य जी को बिना कहे बुलाया, युवाचार्य जी मेरे सच मसा करोगे तुम? मैंने इनको पूछा भी नहीं, इतना अधिकार तो मेरा है ना। खींचे चले आए और जब से आए हैं इन्होंने ध्यान को, ज्ञान को, स्वाध्याय को समझते हुए, हमारी जिम्मेदारी को लेते हुए, हितेंद्र ऋषि जी हैं, युवाचार्य जी हैं, छोटे मुनि, शुभम मुनि हैं, निशांत मुनि हैं, और हमारे जितने भी मुनि हैं, समित मुनि हैं, सब एक साथ जुड़े हुए, इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं, पर एक सूत्र से जुड़े हैं, महावीर की ध्यान साधना से। जीवन क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है? आज तक हमने क्रिया को धर्म समझा, क्रिया धर्म नहीं है, धर्म अलग है, क्रिया अलग है, क्रिया धर्म नहीं, धर्म क्रिया नहीं, और धर्म वो नहीं है। सच्चा धर्म है हर श्वास में तुम कर्म निजरा कर सकते हो, हर श्वास में तुम आत्मरमण करो, आत्मचिंतन करो, आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, कम से कम 5 दिन का समय। पर ये लीडर लोग हैं, जहां बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे, कोई इनको ले जाए सिंगापुर मलेशिया चले जाएंगे, कोई इनको ले जाए टूर पे चले जाएंगे, हांगकांग मसूरी कश्मीर चले जाएंगे, कोई बड़ा फंक्शन होगा चले जाएंगे, समाज की सेवा कर देंगे, संतों की सेवा कर देंगे। पर मैं कहता हूं 5 दिन अपने लिए निकाल लो। महावीर ने 12.5 बजे तक अपने लिए निकाले। क्या तुम महावीर के श्रावक नहीं हो? क्या तुम महावीर के साधु नहीं हो? महावीर श्राव, महावीर ने 12.5 बजे तक मौन रख करके अपने लिए साधना की, और केवल ज्ञान पाने के बाद बोले। आज हम बोलते असर नहीं होता तुम पर, ये हमारी कमजोरी, हमारे में साधना का बल होता तुम जरूर शिवर करते और तुम्हारा जीवन बदलता, और मुझे ना कहते चतुर्मास करने के लिए। संत फक्कड़ होते हैं, मेरा चमासा कहां होगा? मैं प्यार से कहता हूं मुझे कोई आग्रह मत करो, मैंने जो कुछ करना था थोड़ा बहुत, जो आचार्य भगवान अनंत ऋषि जी ने जिम्मेदारी दी थी मैंने ईमानदारी से पूरी की है। रत्ती भर भी मैंने अहंकार नहीं किया कि मैंने युवाचार्य बनाया। अरिहंत परमात्मा की कृपा और इनका पुण्य, आचार्य भगवंत का आशीर्वाद, आत्माराम जी अनंत ऋषि जी का आशीर्वाद है हम पर, जो इनका चयन हुआ है, और चयन इतना सुंदर हुआ है। हो सकता है कुछ संतों को अपनी पर्सनल बात पसंद ना आती हो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। 9 कैंडिडेट में एक ही कैंडिडेट चुना जाता है, चाहे मेरे पर आक्षेप कर ले, चाहे किसी पर कर ले, इस व्यक्ति के नाम पर किसी का विरोध नहीं है, सब लोग मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। और ये व्यक्ति, ये युवाचार्य, हमें भरोसा है कि आगे आने वाले श्रवण संघ को सुदृढ़ शासन होगा, धर्म का शासन होगा, अध्यात्म का शासन होगा, महावीर की साधना आगे बढ़ेगी, बहुत आगे बढ़ेगी, निश्चित आगे बढ़ेगी। कल एक भाई मिले, वो कहते 50-50 हजार देके हम ब्रह्म का मायों का शिविर लेते हैं, रविशंकर का शिविर लेते हैं, ये 5 दिन का आत्म ध्यान शिविर किया, इतना अनूठा जिंदगी में कभी नहीं किया था, इनका पूरे विश्व में होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, युवाओं को आगे होना चाहिए, हर घर घर में फैलना चाहिए। तो मैं चाहता हूं जितने भी आप कार्यकर्ता हो, यदि आपकी भावना बने, एक शिविर हमारे पास बाकी है और 7 दिन का शिविर, 2 शिविर बाकी है, फिर मेरा भरोसा मत करना, मैं साधना करना चाहता हूं। महावीर ने 12.5 बरस की साधना की, तो क्या तुम मुझे 2 बरस साधना के लिए नहीं दे सकते? मुझे घुमाते रहोगे, इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, जिंदगी का मेरा भरोसा क्या? 74 साल का तो मैं हो गया हूं। भगवान कहते हैं जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शीतल नहीं होता, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, ताव धम्मं समाचारे, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। तो मैं भी उस अरिहंत परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं आत्मसात करना चाहता हूं, और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं साधना करूं। मेरे लिए क्षेत्र प्रमुख नहीं है, मेरे लिए साधना प्रमुख है। रात्रि को भी आचार्य से बड़े प्रेम से चर्चा हुई, युवाचार्य जी आपकी जैसी भावना हो, आप चाहो हमारे साथ रहो, साधना करो, हम आपको दिल से स्वागत करते हैं। आई वेलकम यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, तुम आओ साधना करो, आगे बढ़ो। तो इन्होंने फरमाया कि महाराष्ट्र प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी, मैं कह ठीक है, वो बड़े हैं मेरे से, उनकी आज्ञा, वो प्रवर्तक हैं, बड़े हैं दीक्षा में, यदि उनका आग्रह है तो मैं इनकार नहीं करता। और मैं ये कहना चाहता हूं श्रवण संघ के सभी साधु साधियों से, और आप प्रमुख हो, आप धर्म की भूमिका निभाओ,
धर्म क्या कहता है, शासन क्या कहता है, सम्मेलन में क्या प्रस्ताव पारित हुए, उन प्रस्तावों को पारित करने की जिम्मेदारी श्रावकों की है। हमें कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना, ये धर्म का बल है। जैसे साधना बढ़ेगी वैसे अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। सूरत श्री संघ ने, इनके पदाधिकारियों ने, युवकों ने, बहनों ने, महिलाओं ने जो जो कार्यक्रम किए हैं, हमने किसी ने कहा 50 युवक, 10 युवक, 15 युवक, 20 युवक इधर सब अपने आप प्रबंध कर रहे हैं। जरा सी अनाउंसमेंट की बात होती है, पैसा अपने आप आता है, किसी को हम नहीं कहते कि पैसा ले लो, ये धर्म का बल है, पैसा आता है अपने आप आएगा। तो मेरा नम्र अनुरोध है आप सबसे, यदि पूना के क्षेत्र खाली मत रखो मेरे कारण, जिसका चतुर्मास कराना चाहती है आप करवाइए, और जिस जिसने चमासा करवाना मेरे भरोसे मत रहिए। दिवाली के बाद या चतुर्मास पूर्ण होने के बाद मेरा मन करेगा साधना करने की, मैं साधना में बैठूंगा, चतुर्मास जहां करना होगा करूंगा, मैं साधना करना चाहता हूं। शीघ्र सबको बड़े प्यार से विनय से कहता हूं, फिर भी मेरे कारण किसी को दुख हुआ तो अंतःकरण से क्षमा भी मांग लूंगा, क्योंकि समय का भरोसा नहीं। भगवान महावीर कहते हैं कि तुम साधना से तपो, व्यक्ति नहीं बदलता, यहां भी लोग बदले हैं तो 5 दिन के ध्यान शिविरों से बदले हैं। तो मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी युवक मंडल है, मैं एक ही बात चाहता हूं शुरू से, आप ध्यान से जुड़ो, अपने आप काम होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं। छोटा सा जीवन, क्या धन साथ जाएगा, क्या बेटा साथ जाएगा, क्या फैक्ट्री साथ जाएगी, ये पद साथ जाएगा, ये आचार्य का पद भी कुछ नहीं है, यहीं रह जाएगा, धर्म साथ जाएगा। जो धर्म तुम कर लोगे, धर्म, धर्म के नाम पर हमने परंपराओं को महत्व दिया, धर्म के नाम पर हमने पद प्रतिष्ठा को महत्व दिया, मैंने दान दिया, मैंने सेवा की, चतुर्मास मैंने करवा दिया, मैंने सम्मेलन करवा दिया, यदि ये तुम करवाते तो तुम धर्मवान नहीं हो। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, कर्ता भोक्ता है ही नहीं, कर्ता भोक्ता शरीर करता है, आत्मा नहीं करती, इस बात का ध्यान रखो। आप लोगों को तभी समझ में आएगा यदि एक बार 5 दिन के ध्यान शिविर से गुजर जाओगे। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, शासन देव की कृपा, रीतराग साजी का, निशा जी का अथक प्रयास, और युवाचार्य जी के प्रति जो आचार्य भगवान अनंत ऋषि जी ने हमें आशीर्वाद दिया, जो मुझे कृपा की उन्होंने, आज भी जब उनका नाम लेता हूं मेरा हृदय गदगद हो जाता है। उनके पास बैठना, उनके साथ चलना, उनका हाथ पकड़ना, उनके साथ रात्रि में बैठना, प्रतिक्रमण करते उनकी आज्ञा लेना और उनका मेरे सिर पे हाथ रख देना, शिव मुनि तुमने बड़ी कृपा की है, ऐसे महान आचार्य हैं, मैं छोटा सा संत। उनका गुण, उनकी विनय, उनकी ऋजुता, उनकी सरलता, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता आज भी हमारे हृदय में है। 30 वर्ष तक उन्होंने श्रवण संघ का संचालन किया, आचार्य भगवान आत्माराम जी, आनंद ऋषि जी, देवेंद्र मुनि जी ने, और जो भी हम सेवा कर पाए जरूर आपकी सेवा करते रहेंगे। और श्रवण संघ की आन बान को खतरा नहीं हो सकता जब तक श्रवण संघ में साधना का बल है, आत्मदृष्टि का बल है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई आए और चला जाए कुछ हो नहीं सकता, हमें पक्का विश्वास है श्रवण संघ मजबूत हुआ है और होगा, इस सम्मेलन से मजबूत हुआ है, चारों तरफ से रास्ता मजबूत हुआ है, और हमें ऐसे युवाचार्य भी मिले हैं जो बड़े प्यार से सबकी बात सुनते हैं, जो बड़े मधुरभाषी हैं, जो कभी अहंकार टपकता नहीं, बड़े प्यार की बात सुन लेते हैं। किसी ने कहा ये चाकन आओ, मैं कहीं चाकन के नहीं है बहन, ये तुम्हारा भाई नहीं है, सबका भाई है, ये पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं, महापुरुष पूरे विश्व के होते हैं, किसी परंपरा में बंधे नहीं होते। बस हम, मैं एक ही बात, मेरा हृदय कहता है, नो आई एम गेटिंग 74, आप हिसाब किताब लगाइए, इस उम्र में क्या पता कब जिंदगी की शाम हो जाए, क्या पता किस जिंदगी में शाम हो जाए, तो कुछ समय अपने लिए निकालो। मैं सबको कहता हूं अपने लिए निकालो, कम से कम 5 दिन का ध्यान शिविर, जो सूरत वालों ने इस ध्यान को फैलाया है, युवकों ने, मुझे आश्चर्य होता है
बॉम्बे से बहनें आती हैं जो सीए पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका से लोग आते हैं और कनाडा से आते हैं, जापान से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, छोटे बच्चे आते हैं। वो कहती, आज तक हम समझते थे कि ब्रांडेड कपड़े पहन लेना, ब्रांडेड घड़ी लगा लेना, ब्रांडेड टेलीविजन देख लेना, ये सुख है। सुख कुछ भी नहीं है, सुख बार है ही नहीं, शांति बार है ही नहीं, धर्म बार है ही नहीं। धर्म तुम्हारे भीतर है, अंग अंग में है, कण कण में है, वो आत्मा में है, वो आत्म धर्म। वो थ्योरी हम देते हैं, प्रैक्टिकल नहीं देते। यदि श्रवण संघ के साधु साध्वी धार लें कि हम महावीर की साधना करेंगे, इसलिए हमने 2 अक्टूबर जैना मेडिटेशन दे रखा है। मैं सबसे कहूंगा कि 2 अक्टूबर को पूरा ध्यान दिवस मनाइए। पूरे श्रवण संघ के साधु साध्वी दिगंबर शीतांबर स्थानकवासी तेरापंथी, यहाँ बहुत से दिगंबर भाई आते हैं, शीतांबर स्थानकवासी आते हैं, तेरापंथी आते हैं। यहाँ कोई पंथ नहीं है, एक महावीर की परंपरा, महावीर की साधना और महावीर की आत्मदृष्टि जो पूरे भारत को शांति दे सकती, आनंद दे सकती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि आप जितनी हमारी सेवा करते हो, जितना हमें पहचानते हो, जितना हमारे हाथ जोड़ते हो, जितना आप घर बार छोड़ के हमारे लिए आते हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं करते। बस आप धर्म की शरण लो, हम धर्म की शरण में आ जाएं। हमारे पास जो भी प्रभु ने दिया है, उस धर्म की शरण में आप आ जाओ तो तुम 2 या 3 भाव में मोक्ष जा सकते हो। श्रावक, महावीर के 10 श्रावक 2 भाव में मोक्ष चले जाएंगे। 10 श्रावक थे, हमने अभी चतुर्मास में लगभग 225 लोगों को श्रावक व्रत दिए हैं, 225 लोगों के 12 व्रत दिए हैं ध्यान शिविर में। और ध्यान शिविर में लगभग 525 लोग थे, सीट नहीं थी। और भी हम चाहते हैं कि बड़ा हाल हो, शिविर लें। तो इस तरह से हम कुछ नहीं करते, 5 दिन तक मौन साधना, कुछ नहीं, केवल प्रैक्टिकल आत्मा, केवल एक आत्मा। महावीर की वाणी कहती है, आत्मा निराकार है, आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, जागती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, आत्मा का माता नहीं, पिता नहीं, आत्मा की इंद्रियां नहीं, आत्मा की आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, जिब्बा नहीं। पर आत्मा निराकार है, आत्मा में 8 गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख शक्ति वो आत्मा में है। आत्मा ना तो मैं हाथ हिला सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता आत्मा के बिना। पर हम आत्मा को भूल गए, शरीर को महत्व दिया। मेरा शरीर, मेरा नाम शिव मुनि, मैं संत, महान संत, ये कुछ होने वाला नहीं। ये शरीर का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है। शिव मुनि नाचीज है, कुछ नहीं। शिव मुनि अनंत काल में कितने देह बदले, कितने योनियां बदली, आत्मा वही है। वही आत्मा देवलोक में थी, वही आत्मा मनुष्य में है, वही पशु में, वही त्रियंच में है। आत्मा नहीं बदलती, एक ही आया। एक आत्मा को साध लो, सब सच जाएगा। आत्मा को नहीं साधा तो कुछ नहीं साधा। मेरी बातें कड़वी जरूर लग सकती हैं, मैं कुछ कठोर भी बोल जाता हूँ, परंतु क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। आत्मा से एक हैं, मेरी आत्मा आपकी आत्मा में कोई अंतर नहीं, महावीर की आत्मा में मेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं। जब हम एक हैं, आत्मा एक है, धर्म एक है। महावीर ने कहा 2 धर्म, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। श्रावक अम्मा पियरो, साधु को ऊपर उठाने वाले श्रावक और श्रावकों को उठाने वाले साधु। बस हम ये चाहते हैं कि जन्म में तुम महावीर का ध्यान, महावीर का ज्ञान, महावीर की आत्म दृष्टि प्राप्त कर लो। संत जरूर बदलेंगे, अपने आप बदलेंगे, कुछ को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम बदल जाओ, मैं बदल जाऊं, अपने आप बदल जाएंगे। और श्रवण संघ में बहुत बदलाव आया है, समय लगेगा, समय लगेगा। तुम चाहो आज, पर कुछ बातें हैं जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में हैं। तुम जाके संतों को बोलते हो कि समाचारी जब बनी थी क्या तुम पास में नहीं थे? महामंत्री जी से मेरी बात हुई, महामंत्री जी कहने लगे, आचार्य जी जब समाचारी बनी क्या वो लोग नहीं थे? क्या वो नाबालिग थे? 18 साल के नीचे थे क्या? जब हमने पास किया, एक एक समाचारी का जो प्रश्न पूछा गया, जब समाचारी बनी सबसे ठोक बजा के पूछा गया, पालन करोगे? सब ने कहा करेंगे। तब समाचारी लिखी गई, बनाई गई, सबने हाँ की और किसी ने विरोध नहीं किया किसी चीज का।
अब जब वो विरोध था ही नहीं, 27वीं को घोषणा होने के बाद 28 को हम सब इकट्ठे बैठते हैं आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए, विरोध तो था ही नहीं। फिर आगे क्या हुआ मैं नहीं समझता, कुछ नहीं होगा, समय की बात है, पंचम काल है, थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, पर श्रमण संघ एक है, एक था एक रहेगा, और श्रमण संघ का कोई मुकाबला नहीं करता। भगवान महावीर कहते हैं जो निंदा करता है वो धर्म करता ही नहीं, किसी की निंदा करना महापाप है। और जो परंपरा कहती है कि हम ऊंचे, हमारी क्रिया ऊंची, वो धर्म में है ही नहीं। तुम धर्म करो और कहो मेरा धर्म ऊंचा, मैं शिव मुनि ऊंचा, तो शिव मुनि नीचे गिर गया। कभी महावीर ने कहा मैंने लाखों लोगों को तारा, कभी महावीर ने कहा मैंने तप किया, कभी महावीर ने अपना नाम लिया कि मेरा नाम ये है। आत्मा मात्र दृष्टा में है और दृष्टा भाव में रहते हुए हर कर्म की निजरा होती है। वो कैसे होती है, ये प्रतिकल शिविर आप करोगे तो जरूर लाभ होगा। आप सबकी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना करता हूं। ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन का या शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, अंग अंग कण कण रोए रोए खून के कतरे कतरे में आत्म प्रदेश विद्यमान है, असंख्यात प्रदेशी आत्मा, सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दृष्टि आत्मा में, तीनों लोकों की संपदा आत्म प्रदेशों में। जानो अपने आप, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा के स्वय संवेदन का एहसास कीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा, जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया नहीं, विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, सारे संबंधों से परे, मन बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, तुम केवल एक शाश्वत तत्व हो आत्मा, तुम केवल आत्म तत्व हो, सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण आत्म तत्व वो तुम हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए। पूरे चेहरे को देखें, उस आत्म तत्व का एहसास कीजिए, उसके स्पंदनों का अनुभव कीजिए। कंठ गर्दन दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, छाती पेट पीठ रीढ़ की हड्डी, स्पंदनों का अनुभव कीजिए। दोनों जंघा, दाई जंघा बाई जंघा, दोनों घुटने दाया घुटना बाया घुटना, दोनों पांव, दोनों टांगे दाई टांग बाई टांग, दोनों पांव दाया पांव बाया पांव, पूरा शरीर सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का अनुभव कीजिए। वो स्पंदन वो धड़कन वो फड़कन वो आत्म प्रदेशों के कारण है। जब आत्मा चली जाती है शरीर मुर्दा रह जाता है, तो कोई स्पंदन नहीं, शरीर जो भी क्रिया करता है आत्मा की साक्षी से वो तुम हो। अपने भीतर जानो और देखो, देखो अपने आप को, जानो अपनी आप,
अपने आप को जानो अपने आप अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई सत्य वचन थे तेज से जन जन मंगल होए सबका मंगल होए तेरा मंगल होए जन जन मंगल होए सबका भला हो सबका मंगल हो सबका शुभ हो सबका कल्याण हो सबकी स्वस्थ मुक्ति हो सबको धर्म मिले वीतराग धर्म मिले महावीर का धर्म मिले सत्य धर्म मिले। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं भवद् अरहंते शरणं भवद् सिद्धे शरणं भवद् साहु शरणं भवद् केवली पाणत्तं धम्मं शरणं चारे शरण दुख शरण कोई होगा जो भगे प्राणी करे आनंद उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंग होगा।